वेलकम टू ओम क्रिएटिविटी। हाय, हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब सहेलियों। उम्मीद रखती हूँ कि आप सभी बहुत ही खुश हैं, बहुत ही हैप्पी हैं। आइए आज आप लोगों के साथ फिर से मैं अपना एक सिंपल सा आइडिया शेयर करती हूँ। तो ये देखिए क्या है आइडिया। ये है एक बहुत ही सिंपल और बेसिक फ्रॉक जो महिलाएं अभी अभी सिलाई सीख रही हैं या फिर जिन्हें स्टिचिंग में बहुत इंटरेस्ट है उनके लिए ये एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है। इसमें ना ज़्यादा कटिंग्स है, ना ज़्यादा मेजरमेंट्स है, ना ज़्यादा स्टिचेस है। आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको 2 मीटर्स बाई 2 मीटर्स के दो पीसेस लेने हैं। एक चीज़ का ध्यान रखिए, जब आप छोटे बच्चों के लिए कपड़े सिल रहे हों तो उसका कलर ब्राइट होना चाहिए और कपड़ा हल्का फुल्का होना चाहिए ताकि बच्चा पहनने के बाद कंफर्टेबल फील करे। तो सबसे पहले आपको जो एक पीस है उसे लेकर बीच में से फोल्ड करना है और बच्चे का कोई भी ड्रेस लेकर उसे इस तरह एक साइड पे रख के आपको मार्किंग कर लेनी है। ये देखिए, आपको नेक और स्लीव्स का मार्किंग करना है और ड्रेस का शेप जो आपको लेना है उसकी मार्किंग करनी है। उसके बाद आपको दूसरा पीस लेना है जो बैक साइड का है। अभी अभी आपने जो मार्किंग किया है उसे कटिंग करके उसी पीस को इस दूसरे पीस पर रखिए और मार्किंग कर लीजिए इस तरह से। क्योंकि ये बैक साइड का पार्ट है तो इसमें आपको नेक को थोड़ा छोटा रखना है। ये देखिए, जो महिलाएं स्टिचेस सीख रही हैं अभी अभी उनको थोड़ा बहुत आइडिया होगा इसके बारे में। ये देखिए, इस तरह आपका फ्रंट और बैक का दोनों पीसेस रेडी हैं। तो पहला स्टेप आपको मार्किंग करना है, दूसरा स्टेप कटिंग करना है, दो स्टेप्स आपके हो गए। तीसरे स्टेप में आपको इनके शोल्डर्स को सील के ज्वाइन करना है। दोनों शोल्डर्स ज्वाइन होने के बाद आपको कोई भी कॉन्ट्रास्ट कलर या डिफरेंट कलर का कपड़ा लेकर दोनों बाजुओं के पास बॉर्डर सीलना है। देखिए, बॉर्डर सीलने के बाद आपके स्लीव्स इस तरह से दिखेंगे। उसी कपड़े से आप नेक का बॉर्डर भी सिल सकते हैं। तो देखिए, आपका बॉर्डर सिल गया है स्लीव्स और नेक का। उसके बाद आपको दोनों साइड्स को स्टिच करना है। ये स्टिच करने के बाद समझिए आपका फ्रॉक तैयार है। जिन महिलाओं को फ्रिल्स के बारे में आइडिया है कि फ्रिल्स कैसे सिलते हैं, वो लोग फ्रिल्स का लेस बना के नेक के पास और फ्रॉक के नीचे के एज पर इस तरह जॉइंट कर सकते हैं लेस को। इससे क्या है, थोड़ा ड्रेस की गेटअप बढ़ जाती है। तो ये देखिए, इतना सिंपल फ्रॉक है, सिर्फ 3 स्टेप्स है। कोई भी ड्रेस लेकर मार्किंग करिए, कटिंग करिए और स्टिचिंग करिए, आपका फ्रॉक रेडी। उम्मीद रखती हूँ कि आपको ये ज़रूर पसंद आया होगा, इसे ज़रूर ट्राई करिए। जिन्हें स्टिचिंग में इंटरेस्ट है उनके लिए ये बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है। तब तक दोस्तों, बाय बाय।